आज हम बनाएंगे परमल का चूड़ा। परमल का चूड़ा बनाने के लिए मैंने लिए है आधा किलो परमल, जिसको मैंने छलनी से छान लिए हैं, 250 ग्राम मक्का पोहा, एक कटोरी मूंगफली के दाने, 4 से 5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, करी पत्ते, धोके कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ लिए हैं। मैंने लिए है 20 से 25 कलियां लहसुन की, जिसके इस तरह से बारीक बारीक पीसेस कर लिए हैं, 2 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच गरम मसाला और 1.5 चम्मच पिसी हुई शक्कर। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मक्का पोहा फ्राई कर लेंगे। उसके लिए मैंने लिया है तेल, तेल गरम हो गया है, अब मक्का पोहा फ्राई कर लेंगे। जैसे हम फ्राई करेंगे वैसे ही हमें परमल के ऊपर डालते जाना है मक्का पोहा, और जैसे हम मक्का पोहा निकालेंगे वैसे ही उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा नमक डालते जाएंगे। इसी तरह से हम सारा मक्का पोहा फ्राई कर लेंगे। इस तरह से मैंने सारा मक्का पोहा फ्राई कर लिया है और ऊपर से डाल दिया है नमक, और फ्राई करने के बाद जो ये तेल बचा है उसी में डाल देंगे राई, लहसुन, करी पत्ते, और मूंगफली के दाने, जीरा, इन सारी चीजों को अच्छे से फ्राई होने देंगे। लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट में सारी चीजें बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, बिल्कुल कुरकुरे हो गए मूंगफली और सारी चीजें बहुत कुरकुरी हो गई है। उसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा नमक, नमक थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी नमक डाल के रखा हुआ है। अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और डालेंगे पीसी हुई शक्कर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मक्का पोहा फ्राई करने के बाद थोड़ा सा ही तेल बचे उतने में ही हमें बनाना है चूड़ा, नहीं तो बहुत ऑयली हो जाएगा। इस तरह से बिल्कुल ड्राई हमारा मसाला बनके तैयार होना चाहिए, तो ही हमारा चूड़ा बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब हम मक्का पोहा नीचे करके नीचे वाले परमल थोड़े ऊपर डालेंगे, नहीं तो हमारा सारा मसाला मक्का पोहा को चिपक जाएगा। और अब डाल देंगे मसाला, सारी चीजों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें सूखा खोपरा भी डाल सकते हो। इस तरह से बहुत ही इंस्टेंट ऐसा हमारा परमल का चूड़ा रेडी हो गया है। अभी बाहर थोड़ा ठंडा मौसम है इसलिए हम इसको पॉली बैग में भर देंगे और हम 1 से 1.5 महीने तक इसको कुछ भी नहीं होता, वैसी की वैसी टेस्ट उसकी रहती है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।